हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में अगर जो दो दो भुजा दी रखी है तो तीसरी भुजा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखें, समकोण त्रिभुज में जो कोण रहता है 90 अंश का रहता है। ठीक है, अब इस भुजा को हम बोलते हैं आधार। पहले यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए बोलते हैं इसको आधार, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो सबसे पहले ये जान लेंगे इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और हमको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरी भुजा हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, पहले इतना जान लीजिए। अब ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस परमेय होता है। ठीक है, पाइथागोरस परमेय जिसको हम लोग कहते हैं, क्या होता है वो, देखिए वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए कर्ण को हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ऐसा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, ऐसे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 8 ही लिखेंगे, अभी सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 का वर्ग। ठीक है, प्लस लंब कितना, 6 का वर्ग कर देंगे, ये हमारा लंब है। ठीक है, 6 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 अटे 64 प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 36। अब इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 36 कितना होता है, देखिए 6 4 10 की 0, हाथ लगा 1, और 6 3 9 1 10, यानी कि 100, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 100, और यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये स्क्वायर है इधर आएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा, कर्ण ही 100। लिखेंगे कर्ण बराबर जो हो जाएगा, देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, यानी कि 10 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कर्ण बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।